लेट पहुंचे और अभी शिकार पे जा रहे हैं सब दोस्त। अभी यहाँ से तकरीबन 3 बजे का टाइम है और हम गाड़ी में बैठ के निकल पड़े हैं। सब दोस्त पीछे बैठे हैं, हमारे असलम भाई और तारिक भाई, इमरान भाई, फराज भाई, ये देखे डॉक्टर साहब बैठे हैं। तो अभी हम स्पॉट पहुंच के और आपको दिखाते हैं। तो हम स्पॉट के नज़दीक पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हम अभी किश्ती में जाएंगे और अभी देखते हैं, क्योंकि काफ़ी रोड तो है नहीं, अजीब सा माहौल है और गाड़ी भी बड़ी पस की जा रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और चिकड़ वगैरह का तरह जगह है। अभी हम किश्ती में सामान रख रहे हैं, जितनी भी टूल्स वगैरह हैं, डिवाइस है, कुर्सियाँ वगैरह हैं, अभी ये रख के और मेन जगह पे पहुँचते हैं। तो हमारा मोर्चा सेट हो गया है और हमारे शिकारी दोस्त बैठ गए इसमें, पतला सा हमारी मौजू नहीं चल रही है, मौजो हम लगाएंगे यहाँ पे आगे। अभी अंधेरा है, फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम टाइम से पहुँच गए आज इंशाल्लाह। बड़े पानी पहले लाट समय तो हमारा शिकार का एंड हो चुका है। ये स्पॉट की लोकेशन चाल बंद हो गई है। ये पेन टील है और ये छोटी टील है, टोटल हुआ 8। तो हमारी किश्ती पहुंच चुकी है और हम बैठने लगे हैं भाई असलम के साथ। स्पीड लगाओ, स्पीड लगाओ। और अभी जो है हम जा रहे हैं, कहाँ पे? बस्ती में जा रहे हैं फिर, और अंकल के घर जा रहे हैं फिर। पादी अभी मुझे कह रहा था कि आप इस करतूस को नहीं गिरा सकोगे, लेकिन आपने नहीं गिराया। डॉक्टर साहब, चूंकि पहली फायर थी जिंदगी में, तो थोड़ा आगे पीछे हुआ, लेकिन गोविंद वजीर तो यू नो तो चले गाड़ी की तरह। वो 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 वहाँ पे मारे 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 वो मारे वो मारे वो मारे बात सुनो ना। हाँ, वो वाह, ये क्या मारा आपने? सरदार असल बता रही चाहिए किसका मार। दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट बिरवाला है इस साइड पे ना, थोड़ा सा आगे जाके ये तो दरिया इलाका है, और इस साइड पे लोग आते हैं यहाँ पे, वो बड़ी किश्ती आती है यहाँ पे, मतलब गाड़ियाँ वगैरह भी लोड होती है, ट्रैक्टर भी यहाँ से जाते हैं, मतलब इसके पार, क्योंकि इसके पार फिर दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, चार डिस्ट्रिक्ट अलग वाले। सर एक मिनट, मैं वीडियो बना रहा हूँ सर, डिटेल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी काफ़ी बाइक्स वगैरह खड़े हैं इंतज़ार में, ये लोग जाएंगे उस साइड पे, दूसरे मतलब है डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे जंग वाली साइड पे, और काफ़ी मतलब दूसरे हैं मतलब यहाँ पे, और ये हमारे गाड़ी खड़ी है, इसे हम वापस जाएंगे डेरे में, और डेरे में फ्रेश हो के फिर आज हमारा इरादा है कि वापस पेशावर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी सारे बाइक वाले हैं, ट्रैक्टर भी खड़ा है, जानवर भी यहाँ से इस तरह मतलब बड़ी किश्ती में जाता है। अभी आई नहीं वरना। अस्सलाम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। तकरीबन 50 लाए हैं। फायरिंग आवाज रहता है कि नहीं आती? फायरिंग आवाज आ रही थी?
यहाँ पे हमारा स्पॉट था इस साइड पे, काफ़ी दूर यहाँ से नज़र इस मोबाइल में तो शायद आता हो, कैमरा बड़ा होता तो आपको दिखाता, लेकिन ये नज़र तो वैसे अपनी आंखों से भी बहुत मुश्किल से नज़र आता है, काफ़ी दूर है। पैकिंग चल रही है, वापसी है। देखिए उस पार कितने लोग वहाँ से आ रहे हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। मतलब देखें इसमें बाइक भी खड़े हैं, लोग भी आ रहे हैं, सब कुछ है। अभी यहाँ पे यहाँ पे रोक के ये लोग उतर जाएंगे और इस इलाके चले जाएंगे। मतलब यहाँ जो नज़दीक गांव है, शहर है, और जो ये लोग हैं भी, ये अपना सामान वगैरह, ये ट्रैक्टर और बाइक्स वगैरह, इसमें बैठ के चीज़ें रख के आगे जाएंगे। जी तो सुबह निकले 2-3 बजे और अभी फ्रेश हो गए तकरीबन 12 बजे नाश्ता करके। आज का हमारा दिन ऐसे ही गुजर गया शिकार में, और अभी जा रहे थे कहीं और, लेकिन काफ़ी थके हुए हैं। मैं तो कहता हूँ अभी सो के उठ के और कोई काम ना करे, पेशावर की तरफ ही चल पड़े। फ़िलहाल तो हमारा यही होगा, क्योंकि वो आपको पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा काम शुरू किया था वहाँ पे रेस्टोरेंट वाला, वो काम भी पड़ा है। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो उस पे आएगी, और अभी हमें दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।